बार दिवाली में मिट्टी के दिए के साथ ही गोबर के दिए बाजारों में उपलब्ध होंगे। इको फ्रेंडली दिए से घर रोशन होंगे। बिलासपुर की स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर की दिए तैयार कर रही हैं। समूह की महिलाएं इन दियों को बनाने के साथ साथ अपने लिए अतिरिक्त कमाई भी कर रही हैं। एक तरफ वो इको फ्रेंडली के रूप में जहां गोबर के दिए बना रही हैं, तो दूसरी ओर उनके द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन योजना के तहत बर्मी कंपोस्ट निर्माण किया जा रहा है। यह सारा काम स्मार्ट सिटी एनएलएम के तहत चल रहा है। देखा जाए तो समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, अतिरिक्त कमाई कर रही हैं और अपने हुनर का इस्तेमाल कर इस दिवाली पर पर्यावरण सुरक्षा का भी एक बीड़ा उठा रखा है। ये गौधन न्याय योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, जो कि एसएलआरएम सेंटर की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है जी। इसमें महिलाओं को कचरा कलेक्शन जो महिलाएं करती थी, उनको गौधन योजना के अंतर्गत जोड़ के गोबर का कलेक्शन करने के साथ साथ दिया बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना और उससे खाद बनाना, ये सब का काम गौठान में किया जा रहा है। उनको आजीविका का इस तरीके से चलाया जा रही है सर, कि पहले उनको सिर्फ 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, अब जब से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत ये गौधन न्याय योजना आई है, उसमें महिलाओं को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल गया है, जिससे जैसे कि ये दिया बना के बेचती हैं और गोबर की खाद बनाती है, तो इनको अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त होता है। आगे इसमें जैसे हमको सरकार शासन का आदेश आते जाएगा, हम वैसे वैसे इस योजनाओं को आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें, जैसे कि दिवाली का पर्व सामने है, तो हमारे गौठान में दिया बनाया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट का सबसे अच्छा उत्पादन अभी तक बिलासपुर के गौठानों में तिपरा गौठान के अंतर्गत किया जा रहा है। कचरा कलेक्शन करने वाली महिलाओं को गौधन योजना के तहत जोड़कर गोबर कलेक्शन के साथ साथ दिया बनाने, वर्मी कंपोस्ट और उससे खाद बनाने का काम गौठान में किया जा रहा है। गौधन योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है। एक तरफ दिया तो दूसरी ओर वर्मी कंपोस्ट के रूप में उनकी आमदनी बढ़ी है। इस समय दिवाली के पर्व को देखते हुए दिया बनाया जा रहा है और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण हो रहा है। बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मतलब सबका, मतलब महिलाएं अपने घर को भी अच्छे से चला रही हैं, यहाँ भी व्यवस्थित, मतलब जितना काम दिया जाता है उससे ज़्यादा दीदी लोग करके दिखाते हैं। सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, इससे महिलाएं सक्षम हुई हैं हर काम के लिए, मतलब कुछ भी काम के लिए किसी ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपना काम खुद यहाँ आके कर सकती हैं। समूह की सदस्य बताती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, महिलाएं अपने घर के काम के साथ साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रही हैं। दीदी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, सरकार भी बड़े सहयोग की भूमिका में है। महिलाएं आज यहां हर काम में सक्षम हुई हैं, उनकी किसी के ऊपर निर्भरशीलता नहीं है। सुलेमान, ईटीवी भारत, बिलासपुर।